स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रंग का इंग्लिश पे। आज हम लोग इंग्लिश रीडिंग करेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि एक सेंटेंस को, एक एक शब्द को समझेंगे हिंदी में अर्थ उसका, और इंग्लिश रीडिंग करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। राहुल, RAHUL, राहुल लव्ड फ्लाइंग काइट्स, यानी कि राहुल जो कि नाम है, हम लोग नाम को तो नाम ही लिखेंगे इस प्रकार से, राहुल लव्ड यानी कि प्यार करता था, फ्लाइंग यानी उड़ाना, फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाइंग यानी उड़ाना, ठीक है, काइट्स यानी पतंग। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं राहुल को पतंग उड़ाना पसंद है, ठीक है, पसंद था। राहुल लव्ड फ्लाइंग काइट्स। वन ब्रिजी आफ्टरनून, वन यानी एक, ब्रिजी यानी हवादार, हवादार दोपहर, दोपहर यानी आफ्टरनून। वाइल, वाइल जबकि, सोरिंग हिज कलरफुल काइट, बढ़ रहा था, सोरिंग यानी बढ़ना, सोरिंग यानी बढ़ रहा था, बढ़ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। हिज कलरफुल, हिज यानी उसका, कलरफुल यानी रंग बिरंग, रंग बिरंगा पतंग, काइट यानी पतंग। हाई इन द स्काई, हाई यानी ऊंचा, ऊंचा आकाश, इन द, इन यानी में, स्काई यानी आकाश, आकाश, आकाश में ऊंचा बढ़ रहा था। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग गस्ट, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, मजबूत गस्ट, गस्ट यानी झोंका, झोंका। रिब्ड, रिब्ड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फ्रॉम हिज हैंड, रिब्ड यानी टूट गया, ठीक है, फट गया, टूट गया। द स्ट्रिंग यानी डोरी, डोरी। फ्रॉम यानी उसकी, सॉरी फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसकी, हैंड यानी हाथ से, उसके हाथ से उसका रस्सी टूट गया। हिज प्रीशियस काइट डांस्ड अवे, और दूर चला गया। हिज यानी उसका, प्रीशियस यानी कीमती, कीमती, काइट यानी पतंग, ठीक है। डांस्ड अवे, डांस्ड अवे यानी दूर चला गया। लोस्ट यानी खो दिया, लोस्ट यानी खो देना, ठीक है, खो दिया यहाँ हम लोग बोलेंगे। इन द वेस्ट ब्लू यानी विशाल नीले आकाश में, इन द वेस्ट ब्लू, वेस्ट यानी विशाल, ब्लू यानी नीला, नीले आकाश में खो गया, ऐसे बोल सकते हैं। टीयर्स यानी आंसू, आंसू, ठीक है, टीयर्स यानी आंसू, हुए आंसू में। वेल्ड अप, वेल्ड अप यानी अच्छी तरह से आ गई, किसके आंखों में, राहुल्स आई, वेल्ड अप यानी आना, आ जाना, ठीक है। टीयर्स वेल्ड अप यानी आंसू निकल आए इन राहुल्स आई, राहुल के आंखों में। जस्ट देन, जस्ट देन यानी, जस्ट यानी देन यानी तभी, या तभी ऐसे बोल सकते हैं। ही यानी वह, स्पॉटेड यानी देखा, ए यंगर, ए यानी एक, यंगर यानी नौजवान या, ठीक है, युवा, लड़का, लड़का। रवि, रवि उसका नाम है। कैचिंग हिज, कैचिंग हिज यानी पकड़ रहा है, हिज रन अवे, दौड़ कर, दौड़ कर पकड़ रहा है किसको, काइट यानी पतंग को। राहुल यानी जो राहुल नाम है इस कहानी के लड़के का। टेम्प्टेड, टेम्प्टेड को हम लोग कह सकते हैं। बाय हिज ऑन, वह खुद से, खुद ही में परीक्षा लेने लगा, टेम्प्टेड यानी परीक्षा लेना। बाय हिज ऑन, खुद ही से। रैन टुवार्ड्स रवि, रैन यानी दौड़ा, टुवार्ड्स यानी की तरफ, की तरफ, रवि, रवि की तरफ दौड़ा। रेडी यानी तैयार, तैयार हुआ। टू स्नैच, स्नैच यानी छीनना, छीनने के लिए। इट बैक, वापस, वापस पाने के लिए। इट, स्नैच इट बैक, वापस पाने के लिए, छीनने के लिए वह किसके, रन टुवर्ड्स रवि, रवि की ओर दौड़ा। रेडी टू स्नैच इट बैक, और छीनने के लिए तैयार हुआ। इसी प्रकार से देखेंगे। बट देन, बट देन यानी तब, लेकिन, देन यानी तब। ही स्टॉप्ड, वह रुका, रुक गया या रुका। ही रिमेम्बर्ड, उसने, उसने रिमेम्बर्ड यानी याद किया। हिज फादर्स वर्ड, हिज यानी अपने, फादर्स यानी पिता के,
वर्ड्स यानी शब्दों को याद किया। ट्रू हैप्पीनेस यानी सच्ची खुशी, ट्रू यानी सच्ची, हैप्पीनेस यानी खुशी कम्स आती है फ्रॉम शेयरिंग, बांटने से। विथ अ डीप ब्रीथ यानी लंबी सांस के साथ राहुल अप्रोच रवि, राहुल अप्रोच यानी समीप जाना, रवि के समीप गया। एंड एक्सप्लेंड एंड यानी और एक्सप्लेंड यानी बताया, विस्तार से बताया। व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, ठीक है, सभी बातों को राहुल ने रवि को बताया। इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे कहानी में। रवि सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है। बीम्ड यानी नीचे गिर गया। he happily handed द काइट बैग, पतंग वापस, काइट यानी पतंग, बैग यानी वापस। his own kite, उसका अपना काइट यानी पतंग, फॉरगॉटन भूल गया, उसका अपना पतंग भूल गया। इन हिज एक्साइटमेंट इट्स उत्तेजिता में, ठीक है, एक्साइटेड यानी इतना उत्तेजित था वो, ठीक है। अब राहुल, इन हिज एक्साइटमेंट राहुल हिज हार्ट लाइटर यानी उसका दिल हल्का हुआ राहुल का, ठीक है। शेयर्ड यानी बांटा। हिज यानी अपना, स्पूल यानी चरखी कहते हैं, जो पतंग को, डोरी को जिसमें लपेटते हैं उसको चरखी। ऑफ स्ट्रिंग यानी डोरी का चरखी बांटा। शेयर्ड हिज स्पूल ऑफ स्ट्रिंग विथ यानी साथ, रवि के साथ बांटा। एंड टुगेदर यानी एक साथ। दे फ्लू यानी उड़ाया। बोथ यानी दोनों, पतंग काइट्स यानी पतंगों को, ठीक है। द स्काई फिल्ड विथ लाफ्टर एंड जॉय, द स्काई यानी आकाश, फील्ड यानी भर गया विथ यानी साथ, लाफ्टर यानी हंसी और खुशी से भर चुका था आकाश। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? शेयरिंग ब्रिंग्स ग्रेटर हैप्पीनेस देन टेकिंग, लेने से ज़्यादा बांटने से खुशी मिलती है, ये कहने का मतलब है कहानी का। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।